फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घरों में होंगे, खुशहाल होंगे, हेल्दी होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ये देखिए, मैंने कुछ तैयारियां करके रखी हैं किचन में। मशरूम कट करके रख लिए हैं, शिमला मिर्च कट करके रख ली है, थोड़ी सी एक प्याज ली है, उसको इस तरीके से टुकड़ों में मैंने ले लिया है। और यहाँ पर देखिए शिमला मिर्च और ये है प्याज, इस तरीके से आपको काट कर ले लेना है। और फिर यहाँ देखिए साइड में ट्रे में मैंने लिया है दो टमाटर, और ओखली में कर लिया है लहसुन को अच्छे से कुचल लिया है। और यहाँ पॉट में लिया है मैंने पानी और नमक के साथ, मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया है। और साइड में बथुआ बॉईल हो रहा है कुकर में, एक सीटी ही लगाती हूँ मैं, एक या दो सीटी अच्छे से उबल जाता है। इसमें मैंने पानी के अंदर सोयाबीन चाप अच्छे से ऐड कर दिए, धोकर वॉश करके काट के। और ये देखिए पीसेस में काट लिए, आप छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो यहाँ देखिए मैंने ये टमाटर जो मटर है वो भी अच्छे से बॉईल करके ले ली है। यहाँ पर ये कढ़ाई ली है और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून के करीब, 1 बड़ा चम्मच तेल और सरसों का। और यहाँ ये देखिए मैंने जो प्याज कट करके रखे थे कुछ इस साइज़ के, तो यहाँ मैंने डाल दिए हैं। तो ये देखिए अच्छे से इनको भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। और यहाँ पे देखिए उसको निकाल लिया था प्याज को, और अब मैंने शिमला मिर्च अच्छे से फ्राई कर लिया तेल में डालकर। तेल थोड़ा ज़्यादा लिया, थोड़ा सा कम यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ मैंने तेल में डाल दिया है ज़ीरा और बड़ी इलायची को बीच में से फाड़ कर। मैंने उस टाइम पे बथुआ उबलने नहीं रखा था, गैस ऑफ ही रह गई थी, तो मैंने नमक डालना भी भूल गई थी, नमक डाल दिया है। गैस ऑन कर दी है अच्छे से ढक्कन बंद करके। और यहाँ देखिए जो लहसुन का पेस्ट है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए अच्छे से इसको भी ब्राउन कर लेना है। उसके बाद इसमें प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है, जो मैंने चॉपर में चॉप करके लिया था। और अच्छे से इसको चलाकर अच्छे से ब्राउन होने देना है, ताकि लहसुन को अगर आप ग्राइंड भी कर सकते हो, प्योरे बनाकर डाल सकते हो या फिर पेस्ट बनाकर डाल सकते हो। यहाँ देखिए ब्राउन हो गया है अच्छे से, मैंने प्याज हरी मिर्च ऐड कर दी है। और यहाँ देखिए अच्छे से इसको भी ब्राउन कर लूँगी मैं। और यहाँ पर सोयाबीन अच्छे से मैंने बॉईल हो गई थी, तो ये साइड में रख लूँगी मैं। ये देखिए सॉफ्ट हो गई बिल्कुल, गर्म पानी में आप छोड़ दो ना नमक डालकर, अगर टाइट है ना ये तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है, खाने में भी ज़्यादा टाइट नहीं रहती हैं। यहाँ देखिए मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, टमाटर ऐड कर दिया, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक स्वाद के अनुसार। ये देखिए स्वाद के अनुसार आप नमक ऐड करें। और जो भी सोयाबीन का पानी होगा उसको मैं ड्रेन कर दूँगी, उसके बाद मैं अपनी सब्ज़ी में ऐड कर लूँगी। और ये देखिए अच्छे से टमाटर को बबल्स आने तक इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा कैमरे का एंगल इधर उधर हो गया। और ये देखिए 1/2 टीस्पून के करीब मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, टर्मरिक पाउडर ऐड किया है और धनिया पाउडर ऐड किया है। अच्छे से बबल्स आने आ गए थे, टमाटर प्याज अच्छे से भुन गया था। उसके बाद मैंने यहाँ मसाले ऐड किए हैं, इसको भी बबल्स आने तक अच्छे से इसको भी हमें पकाना है धीमे धीमे आंच पे। और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर ये देखिए धनिया पाउडर ऐड कर दिया, 1/2 चम्मच। और धनिया पाउडर इतना तीखा नहीं होता। ये देखिए इसको भी अच्छे से पका लूँगी मैं। सब्ज़ी मसाला ऐड कर दिया है मैंने, ये सब्ज़ी मसाला ये देखिए 1/2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ ऐड किया है। ये देखिए बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी, अगर आप रेस्टोरेंट अगर भूल जाएंगे इसके आगे, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ फीडबैक शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। चैनल सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने पीस ऐड कर दिए हैं मटर, और अच्छे से उबाल कर कुकर में 1 सीटी लगाई थी मैंने, तब मैंने इसको कढ़ाई में पकाया। आजकल क्या है ना कि हरी हरी मटर तो बहुत अच्छे से आ रही, लेकिन वो जल्दी पकती नहीं है। उनको 1 सीटी लगाकर अच्छे से आप उबाल लेंगे ना, बॉईल दे देंगे तो अच्छे से पक जाएगी भाप में। यहाँ देखिए मैंने मशरूम, शिमला मिर्च और प्याज अच्छे से ऐड कर दिया मटर डालने के बाद। और यहाँ अच्छे से इसको भी अपनी ग्रेवी में मिक्स कर लूँगी मैं। सॉटे कर लीजिए अच्छी तरह से।
बहुत अच्छे से भी बनती है अपनी सब्जी, सब्जियों के साथ वो भी सर्दियों में मिक्स एंड मैच करके खाना बहुत मतलब सब्जियों में एक अलग यूनिक टेस्ट आ जाता है और फिर खाने का जायका भी बढ़ जाता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने सोयाबीन चाप जो है इस तरह से कट करके रखी थी, वो भी मैंने डाल दी है। हाँ, वो भी अच्छे से मैं इसको भी चला लूँगी और बहुत सच यकीन मानिएगा बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और आप भी प्लीज़ घर पे ट्राई ज़रूर कीजिए, मस्ट ट्राई है ये। यहाँ देखिए अच्छे से मैंने इसको सॉटे कर लिया सारी सब्जियों को, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से भून लिया है, उसके बाद और पानी मैंने ऐड किया है एक गिलास के करीब। आप पानी ज़्यादा कम कर सकते हैं, वेजिटेबल्स भी आप और बढ़ा सकते हैं या इतनी ही रहने दे सकते हैं, या जो आपको नहीं पसंद है या पसंद है आप अपनी पसंद नापसंद के अनुसार रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए सारी सब्जियों में एक बार और स्टर कर दूंगी और फिर थोड़ा सा और पानी डालकर इसको अच्छे से हम मैं चला दूंगी। ये देखिए और पानी यहाँ मैंने ऐड कर दिया है, तो ये देखिए सब्ज़ी के बराबर मैंने पानी रखा है ताकि उबल जाए पानी, सब्ज़ी अच्छी तरह से चाप और मशरूम अच्छे से पक जाए। मटर तो पक ही गई है, देखिए एक उबाल आ गया था, ढककर पकाई थी मैंने सब्ज़ी और उबाल आ गया है, थोड़ा सा और पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। ये देखिए बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर ग्रेवी में ध्यान देना है कि मसाले पके हैं या नहीं पके, प्याज लहसुन कुछ कच्चा तो नहीं रह गया है। तो ये देखिए मैंने सोयाबीन चाप अच्छे से उबाल ली थी और फिर ये देखिए हाँ अच्छे से पक चुकी है ग्रेवी के साथ। और ये देखिए मैंने धनिया ऐड कर दिया है काट कर अच्छे से यहाँ पर, और सब्जी के साथ मैं चला लूँगी और फिर ढक कर अच्छे से पकाऊँगी। बस 2 मिनट तक और पकाना है, फिर इसके बाद मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी आपको। यहाँ देखिए मैंने तैयारी की है पराठे की, मम्मी बना रही है पराठे, मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो फ़ोन से ही बनाती हूँ। तो ये देखिए मम्मी ने पहले से तवे पर डाला हुआ है और दूसरी की तैयारी कर रही हैं हम लोग। ये चकला बहुत दिक्कत करता है तो मैं इसको चेंज करने वाली हूँ, तो प्लीज़ बताइएगा कौन सा मुझे रेकमेंड कीजिए, कौन सा मुझे लेना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये बन रहे बथुए के पराठे, सर्दियों में यही चीज़ें बथुए की पूड़ी या फिर पराठे पालक की पूड़ी बहुत टेस्टी लगती है, सर्दियों में ही खाने का मन करता है, गर्मियों में तो कुछ खाया ज़्यादा नहीं जाता। देखिए मम्मी ने पराठों में तेल लगाया है अच्छे से, जो मम्मी ने थोड़ा सा बेला था उसको अच्छे से बंद कर लेंगी ये देखिए, और वो भी जो तवे पर है उसको भी अच्छे से चेक कर लेंगी पका है या नहीं। वहाँ पर देखिए एक साइड से पक गया था, उसमें तेल लगा दिया अच्छे से और इसको भी दूसरी तरफ से भी पलट कर तेल लगाना है। और ये देखिए फूलने लग गए थे पराठे, बहुत टेस्टी बने थे। ये देखिए मम्मी ने दही को थोड़ा सा बड़ा किया, उसके बाद वहाँ तेल लगाया और उसको अच्छे से साइड चारों तरफ से बंद करके मम्मी ने दोबारा से उसको अच्छे से बेला है। और ये देखिए तवे पर बहुत अच्छे से सिक गया था पराठा, ये देखिए ग्रीन ग्रीन पराठे यानी कि ये बथुए के ही पराठे हैं, बहुत अच्छे से सिक रहे थे पराठे। आपको ज़रूर आज का डिनर ये जो है मैंने बनाकर आपको दिखाया, घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ अपने कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। और ये देखिए अच्छे से मम्मी इसको दबा दबा कर पका लेंगी पराठों को। ये देखिए मम्मी ने जो चकले पर था उसको और थोड़ा सा बड़ा आकार दिया है और अच्छे से इसको भी बना लेंगी। उसके बाद जो तवे पर है उसको साइड में कर दिया, पक चुका था, और जो चकले पर था उसे तवे पर डाल दिया। ये देखिए बिल्कुल तैयार है हमारी जो डिश है, बथुए के पराठे और चुकंदर और कैरेट का सैलड है, और यहाँ पर देखिए सब्ज़ी। प्लीज़ मस्ट ट्राई है आज का डिनर, घर पे ज़रूर प्लीज़ बनाकर ट्राई कीजिए, मेरे साथ अपने फीडबैक शेयर कीजिए और देखते रहिए फूडी स्टार बाय भावना। ये देखिए मैंने अब खा कर दिखाया था, गर्म बहुत था इसलिए ज़्यादा उठा नहीं पाई मैं, ये देखिए गर्म बहुत है। और ये देखिए
था इसलिए ग्रेवी के साथ में एक बार चेक करी थी। मम्मी को देखकर आ गई कि मम्मी एक बार चेक कर लें कैसा बना है। तो यहाँ देखिए।